में आज हम स्पॉटलाइट कॉन्वर्सेशंस करते हैं। हर दिन एक नया टॉपिक लिया जाता है और इसी के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर्स और स्ट्रोक। इसके तहत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, दैट इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर्स एंड स्ट्रोक, जिसके तहत आज हमारी कॉन्वर्जेशन होगी डॉक्टर रंगनाथ के साथ, जो कि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। सो आइए हम उनसे ये समझे इन चारों बीमारियों के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या क्या प्रावधान है हमारे पास में। आई वेलकम यू डॉक्टर रंगनाथ, एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी दैट वॉट इज द NPCDCS प्रोग्राम एंड वॉट ऑल आर द फैसिलिटीज दैट वी आर प्रोवाइडिंग अंडर दैट प्रोग्राम इन द कंट्री। थैंक यू डॉक्टर पूजा एंड डॉक्टर गौरी। Yeah, myself Dr. Anna, I am working in NCD division of DGHS. So my DDG Dr. Sudarshan Mandal is looking after the program in DGHS. So the NPCDCS program, the full form is that it's a national program for cancer, diabetes, cardiovascular disease and stroke. So lately we have been revising the guidelines for this one. So in another 15 days to Honorable HFM, the guidelines will be released. And it will be renamed as NPNCD. NCD is non-communicable diseases, which is in India it will be called as Gair Sankramik Rog, yeah, Gair Sanchari Rog. Jaise ye cancer, diabetes, cardiovascular disease, stroke, aur inme se aur spectrum thoda sa bada ke abhi kar rahe ki jaise lungs mein phephdom ki bimari, COPD, chronic obstructive pulmonary disease kehte, asthma, aur kidneys ke liye CKD include kar diya, chronic kidney disease. और लीवर की प्रॉब्लम के लिए NAFLD भी इंक्लूड करा गया, नॉन ऑल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, और बच्चों में भी कुछ गैर संचारी विभाग पाया जा रहा है, तो उनको भी एक कमेटी मिटा के दो मीटिंग्स हुए हैं, स्पेशलिस्ट की कमेटी बन चुकी है। तो NCDs इन चिल्ड्रन में भी 7-8 बीमारी इंक्लूड कर चुका है, जैसे बच्चों की वाली में कैंसर, टाइप 1 डायबिटीज, देन सीजर्स और बच्चों वाली किडनी डिसीजेस और रूमेटिक हार्ट डिसीज वगैरह। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम हम देखे जाते हैं। पहले ज़माने में भी इन्फेक्शियस डिसीज़ ज़्यादा होता था, मगर पिछले एक दो डिकेड्स में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ एक नया उभर के आ रहा है, जैसे स्ट्रेस से, लाइफ स्टाइल है ये वगैरह। तो इनमें इस प्रोग्राम, भारत सरकार की इस प्रोग्राम में जो है ये सारे जो बीमारियाँ, कैंसर, डायबिटीज़ वगैरह मेन तरीके से लिया गया, और आगे भी स्पेक्ट्रम आगे भी थोड़ा सा बढ़ गया और गाइडलाइंस भी आ रहा है। शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसा कि आपने बताया, प्रेजेंटली हम